परमेश्वर बेहद आवश्यक संदेश। यही वक्त है अपनी योजनाओं के लिए कार्य करने का। जिस सही समय की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे थे, वह प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम 24 से 48 घंटों से यह अनुभव कर रहे हो कि कोई सकारात्मक शक्ति तुम्हें ऊर्जा दे रही है। क्या तुम जानते हो, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी वर्षों की कामना पूरी होने वाली है, जिसके पूरे होने की उम्मीद तुम स्वयं छोड़ चुके थे। वह बहुत जल्द सच होने वाला है। 333 के साथ लिखे मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन इस नए आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। अपनी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे प्रिय, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ ठहर मत जाना, तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं, उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह सब एक जीत है, जो केवल प्रसन्नता प्रदान करेंगे, किंतु उन्हें ऐसे कई पड़ाव पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी लेकर जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद रूपी ऊर्जा भेज रहा हूँ, जो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्तियों से जुड़ने में सहायता करेंगी। 444 लिखे, यदि आप इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, ओस और धुंध से भरे काले बादलों के बीच से प्रकाश बाहर निकलेगा। सूर्य के किरणें फिर से एक बार शिखर पर होंगी। ध्वजा चारों तरफ प्रेम की लहराएगी। तुम्हारी सुंदर भविष्य की योजना तैयार की है, जिसका शुभ आरंभ शीघ्र होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। मेरे प्रिय, तुम वही एक पंछी हो जो इस मार्ग पर अकेला निकल पड़ा था। उस भीड़ के बीच से जहाँ से निकल पाना असंभव था, पर फिर भी तुमने उस आनंद आवाज को सुनते हुए अपने पंख खोले। इस प्रयास के कारण जो दिखा, तब तुमने पाया, अब तक जो देख रहे थे वह तो कण मात्र भी नहीं, पूरा गगन पड़ा है तुम्हें उड़ान भरने के लिए। अर्थात दृश्य और अदृश्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जो ज्ञान तुम्हारा भौतिक और भौतिक दोनों ही जगत में कल्याण करेगा। मेरे बच्चे, एक सुंदर नए अध्याय प्रारंभ हो रही है, जो तुम्हारे लिए नई उपलब्धियां
लेकर आ रहा है। 2 वर्ष पूर्व जब तुमने प्रयास किया तब संघर्ष में कई बार गिरे, स्वाभाविक ही है। जब पंछी पहली बार उड़ने का प्रयास करता है तो वह गिरता है, किंतु जब वह दोबारा उड़ान भरता है तो आकाश में विचरण करता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे साथ वही हुआ है। संघर्ष में व्यक्ति अकेले ही लड़ता है और सफलता में सारी दुनिया उसके साथ होती है। जब तुम संघर्ष के पथ पर चलोगे तब यह संसार ही नहीं, तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी केवल तुम्हारी खामियों को ही देखेंगे। किंतु जैसे ही तुम सफलता को स्पर्श करोगे वही लोग तुम्हारी खामियों को खूबियां बताकर गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए इस मार्ग पर कभी भी किसी पास से विचलित मत होना। आज मैं तुम्हें इस नए अध्याय के दिव्य संकेत देने आया हूँ। मेरे प्रिय, तुम अविद्यत महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब बदलाव होगा तो असहजता होना स्वाभाविक ही है। जैसे ही जब तुम एक नए अध्ययन में प्रवेश करते हो तो पुराने घर को छोड़ने में असहजता होती ही है। जब व्यक्ति लंबे समय से अंधकार में बैठा हो तो एकाएक आँखों के समक्ष ऋषि रोशनी आना घबरा उठता है। जैसे कई बार तुम अंधेरे से बाहर निकलकर धूप में आए हो और आंखें विचलित हो उठी हो, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश तीव्र गति से प्रवेश करता है तब कुछ समय के लिए असहजता महसूस होती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है इस स्तर से और अधिक ऊपर उठने का, क्योंकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे मन के अंधेरे को मिटाने वाला है। तुम संसार की बोरियत को तोड़कर इस मंत्र विचरण के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय, तुम वही हो जिनकी उपस्थिति ही लोगों को ऊर्जा से भर देती है। तुम वही हो जो किसी दूसरे के मार्ग पर ना चलकर अपना मार्ग स्वयं बनाना जानता है। इसी कारण तुम वह सब पाने के हकदार हो जो तुम चाहते हो। तुम चमत्कार को नहीं बल्कि चमत्कार तुम्हें हर दिन आकर्षित कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे का तेज लोगों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे मौन उन्हें उचित दंड देने में समर्थ हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी इच्छा शक्ति की कलम से किसी अध्याय को स्वर्ण अध्याय बनाने के लिए? यदि हाँ तो इसे लेकर अपनी यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। 555 के साथ लिखे, मैं नए अध्ययन में प्रवेश कर रहा हूँ। परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है इस अध्याय को पूरा करने के लिए। 1176 लिखे और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में इसी क्षण प्रकट करें। ईश्वर तुम्हारे लिए असंभव को संभव बना रही है। यह नया वर्ष
तुम्हें वह सब कुछ लाकर देगा जिसकी कल्पना तुमने पिछले वर्ष किए थी। शनिदेव स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, अब न्याय होकर रहेगा। जो कार्य विकसित नहीं हो रहे थे, जो काफी लंबे समय से रुके हुए थे, वह सब फिर एक बार पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। वह तुम्हें वहां ले जाने की योजना कर रहे हैं जहां तक जाना तुम्हारी सोच भी नहीं है। यह सब तुम्हारी विकसित का है, यह समय ऊपर उठने का है। तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र दिन प्रतिदिन विशाल हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष अच्छी चीज तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो सुनिश्चित किया है, उसे कोई व्यक्ति तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें सदैव ही दूसरों से अलग बनाती है। वह शक्ति है आंतरिक आवाज की शक्ति, अर्थात इंट्यूशन पावर। तुम वह सुन पाते हो जो दूसरे नहीं सुन सकते, तुम वह महसूस करते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। तुम किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल को अपनी आंतरिक शक्ति से महसूस कर लेते हो कि वह नकारात्मक है या सकारात्मक। इसीलिए तुम विशेष हो। 6-6 अंक के साथ लिखे मैं महान परमात्मा का प्रिय हूँ। 8-8 के साथ लिखे मैं चारों ओर से सुरक्षित हूँ, परमात्मा के संरक्षण में हूँ। 7-7 मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, यदि मैं तुम्हारे जीवन में अहमियत रखता हूँ तो केवल अपने पिता के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना नाम दर्ज करना। जय श्री कृष्णा। तुम्हारे जीवन को मैं आशा और प्रकाश से भरने वाला हूँ। तुम विश्वास करो, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। अपने आसपास दिए जा रहे दिव्य मार्गदर्शन का अनुसरण करते रहो और हर सुबह इस प्रकार कहो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम पावरफुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। टाइप यस इफ़ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स, इफ़ यू बिलीव डिवाइन पावर।